शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आप अब तक गई नहीं? जी, वो हम जब यहाँ से गुजर रहे थे तो अब आप बताइए, आपने क्या सोचा है? आप बताइए आपने क्या सोचा है? क्या आप तैयार हैं कि लोग आपको डिस्कवर करें और सोच में पड़ जाएं? क्या आप तैयार हैं अपने ऊपर से मेट का टैग हटाने के लिए? ये सब प्रूव करने के लिए आप इतनी देर से यहाँ थे? हम जब घर से निकले थे ना, तो सबको यही बताया था कि आपको लेकर आएंगे। ठीक है, सोच के बताते हैं। एक मिनट, आज घर पे कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा है, तो आज के दिन आपको चलना चाहिए हमारे साथ, और फिर सोचकर जो भी आपका फैसला है वो आप हमें वहां बता दीजिए। इंटरेस्टिंग, वैसे ट्रिक अच्छी है आपकी। चलिए। तेरे पीछे पीछे बाकी सारे बंधन तोड़ दूं, जो तेरे तक ना जाए उन रिश्तों को तोड़ दूं। यू नो गहना, तुम्हारे नाम के साथ साथ तुम अंदर से भी गहनों से सजी हो, आर्ट के गहनों से। मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि तुम इतनी टैलेंटेड हो। ये गाड़ी को क्या हो गया? मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ बचवा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें चोट आ गई? रुको, हम अभी ठीक कर देते हैं। देखा, हो गया ना ठीक? बस चीटी मर गई, हो गया ना दर्द छू मन तर। अरे ये अच्छा बच्चे, रुको अभी बताते हैं तुम्हें। तुमसे कितनी बार कहा है कि बारिश में मत भीगा करो, बीमार पड़ जाओगी चांदनी। क्या? कुछ नहीं। ये चांदनी कौन है? कोई नहीं, हो गया वो खेलना, तो चले। यजमान जी, पूजा सफल हुई। गणना के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि काली टीका वाली लड़की की प्रार्थना भी सफल हुई। इसलिए उर्वशी के ग्रहों में बदलाव आया है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो गया। उस काला टीका वाली लड़की की कोई भूमिका ही नहीं है। असंभव।
यह संभव नहीं हो सकता। हमारा अनुमान कभी गलत नहीं हो सकता। हमारे संपूर्ण जीवन की तपस्या कहती है कि उस काला टीका वाली लड़की की प्रार्थना सफल हुई है, या उर्वशी के दोष को उस लड़की ने अपने माथे पर लिया है। अन्यथा ग्रहों में इस तरह का बदलाव संभव नहीं है। लेकिन पंडित जी, जब ऐसी कोई लड़की है ही नहीं तो वो प्रार्थना कहां से करेगी? ये जरूर गहना का काम है। खुद से बढ़कर दूसरों के लिए कोई सोच सकता है तो सिर्फ वही है। पंडित जी, जाने दीजिए, सच क्या है किसको पता। आप आगे की विधि बताइए। नहीं, हम आगे की विधि नहीं कर सकते। जो हुआ है हमें उसके बारे में जानना ही होगा। कोई नया प्राणी आपके घर में? पंडित जी, ऐसा तो कोई नया आया नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो अपने आप, मन और मस्तिष्क को खोलिए, क्योंकि हमारी विद्या के अनुसार काला टीका वाली वो लड़की इस घर के आस पास ही है। काला टीका वाली वो लड़की सुरक्षा कवच है, जिसके प्रार्थना के सफल होने के पश्चात ही आज इस घर में ये शुभ मंगल का योग बना है। मेरे हिसाब से काला टीका वाली वो लड़की यहाँ पे इस घर में आ चुकी है, या तो आने वाली है। पंडित जी, हो सकता है कि कुछ भी नहीं। हमारी ग्रहों की गणना के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। प्रार्थना किसने की? इससे ज्यादा खास बात तो ये है कि प्रार्थना सफल हुई। काला टीका मतलब पापा जी की नाजायज संतान, जिसके बारे में मीडिया वाले भी चिल्ला रहे थे। और हमें बस इतना पता लगाना है कि गहना और पापा जी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। पंडित जी, अगर पूजा संपन्न हो गई हो तो हम अपने खास मेहमान से मिल लें। पूजा संपन्न हुई, हमें भी प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। कल्याण हो। हेलो वंश जी, बहुत बहुत खुशी हुई आपको दोबारा इस घर में देखकर। आप फिर से हमारे घर में पधारे। गहना ने हमें कन्विंस कर लिया है, हम इन्वेस्टमेंट फिर से शुरू कर रहे हैं। तुम हमेशा घर की बेटी जैसा ही काम करती हो। धन्यवाद गहना। और एक बात महेंद्र जी, हम आपकी फैमिली में और एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फ्रॉम दिस मंथ ऑनवर्ड्स हम गहना की डिजाइन की एग्जीक्यूशन और मार्केटिंग में इन्वेस्ट करेंगे। अब गहना का टैलेंट नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। गहना टैलेंटेड है, हार्डवर्किंग है, एंड शी इज रॉ, कच्ची मिट्टी की तरह, एंड शी इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। जो भी हो रहा है हो जाए, लेकिन सब कुछ समय के लिए है, क्योंकि अब जो होगा वो तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक होने वाला है गहना। लेकिन आप लोग भीग कैसे गए? अच्छा चलिए छोड़िए गहना, तुम अपने कपड़े बदल लो,
वंश जी आप भी। आप बताइए आपने क्या सोचा है? क्या आप तैयार हैं अपने ऊपर से वेट का टैग हटाने के लिए? हम आपकी फैमिली में और एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फ्रॉम दिस मंथ ऑनवर्ड्स हम गहना की डिजाइन्स की एग्जीक्यूशन और मार्केटिंग में इन्वेस्ट करेंगे। क्या बात है गहना, तुमने ये वंश इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।